बृंदा और देव आए एक दूसरे के करीब। गलती से जल गया देव का हाथ। बृंदा और देव के नोक झोंक की फिर से हुई शुरुआत। सीरियल नागिन 4 में आप देखेंगे कि कैसे पहले बृंदा ने लिली की इज्जत बचाने के लिए सबसे ये झूठ कहा था कि वो उनका बच्चा है, जिस पर आज तक लिली एहसानमंद है, लेकिन बृंदा उन्हें हमेशा समझाती है इस बातों को राज ही रखे, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन देव इस बारे में पहले से ही जानते हैं और इसीलिए वो बृंदा को थैंक्स कहने किचन में पहुंच जाते हैं, जहां बृंदा बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही होती है और वो देव की बातों पर अटेंशन नहीं दे रही होती है, इसलिए देव उन्हें परेशान करने लगते हैं। इस नोक झोंक के बीच देव का हाथ जल जाता है और तब बृंदा बुरी तरह से परेशान हो जाती है। वो देव के हाथों पर फूंक मारती है और मरहम भी लगाती है। इसी बीच दोनों आ जाते हैं एक दूसरे के करीब। हालांकि दोनों एक दूसरे को हमेशा टशन देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। वेल, अब बृंदा और देव की ये क्लोजनेस कब तक बरकरार रहेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप इनकी क्लोजनेस और रोमांटिक पलों को कितना एंजॉय कर रहे हैं जल्दी से अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, और शो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।